पटना में हुआ दो हत्याएं। जी हां, अपराधियों ने फिर से पुलिस को दी चुनौती। बेकरी कारोबारी के घर हुआ लूट और उसके बाद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। आपको बता दें कि विभा कुमार झा के घर सास और उनकी पत्नी की हत्या कर गला रेत कर हत्या कर दी है, जिसके बाद लाखों रुपए की घर में लूट हुई है। जी हां, ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से अपराधियों ने एक बार फिर से चुनौती दी है। कई थाने की पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ थाना, हवाई अड्डा थाना और शास्त्री नगर थाने की पुलिस जो है वहां पर कैंप कर रही है। FSLA की टीम जो है वहां मौके पर पहुंचकर पूरी तरीके से जांच कर रही है। घर को सील कर दिया है। बेकरी कारोबारी जो है वो घर पर मौजूद थे और उनकी पत्नी और उनके सास की हत्या कर दी गई है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरीके से बेकरी कारोबारी के घर जो है आए दिन लाखों रुपए के जो है बिजनेस होते थे, जिसको लेकर अपराधियों को इस बात की भनक लगी, जिसके बाद अपराधी जो है घर में घटना को अंजाम दिए बीती रात, और उसके बाद जो है पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है, लूट के घटना को अंजाम दिया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और इसको लेकर पुलिस जो है आसपास के CCTV कैमरे को खंगाल रही है और पूरी तरीके से अब ये जांच का विषय है और जांच कर जो अपराधी हैं, जो लुटेरे हैं, उनका पता लगाया जा रहा है। पुलिस अब कई थाने की पुलिस जो है वहां पर मॉनिटरिंग कर रही है, जांच कर रही है। शास्त्री नगर थाना, बेउर थाना और फुलवाड़ी शरीफ थाने की पुलिस जो है वहां पर पहुंच गई है। हवाई अड्डे थाने की पुलिस पहुंच गई है और जिस तरीके से विभा कुमार झा के घर लूट हुई है, अपराधियों ने अंजाम दिया है। उनकी पत्नी 50 वर्षीय और उनकी सास 80 वर्षीय है। जब वो अपने इलाज के लिए भागलपुर से पटना आई थी अपने दामाद के घर, तभी इस तरीके से घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया है। जब घर में कोई नहीं था तब इस तरीके से घटना को अंजाम दिया। इस मौके पर पहुंचे जो बेकरी कारोबारी के मैनेजर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है और जो फुलवारी शरीफ के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले वो आप सुनिए। ओपन पूरा गांव है, उसे पश्चिम जो है गुमटी है, गुमटी से कुछ पहले जो है सब पूरा भी एरिया में एक झाई का मकान है, विभाग सिंह झा नाम है उनका। उनके घर में घटना घटी, दो महिलाएं थी, एक उनकी सास थी और एक उनकी वाइफ है। तो सास को सुरदेश कर गई है, जिनकी उम्र 70 साल है, और वाइफ को जो है जख्मी है, जिसको पास में अस्पताल में ले जाया गया है। घटनाक्रम से दुरुस्त घटक नहीं हो पाए हैं। सुबह में FSLA की टीम आएगी और उसको गहराई से जांच करेगी। घटना तो अब हम लोग बता नहीं सकते हैं, हम लोग के आने के बाद में फोन पर पता चला क्या कि दरवाज़ा खुला हुआ है। एक कस्टमर बताया दरवाज़ा खुला हुआ है, तब फिर दूसरा आदमी एक और आया तो अंदर जा कर के बताया कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। क्या बात हुई है? उनकी सास को तकिया से नहीं अथी करके नीचे गिराया हुआ था और उनको वाइफ को पूरा माथा में चोट लगा हुआ। वाइफ कहाँ भर्ती है, कहाँ लगी? पारस हॉस्पिटल। कैसा है, सीरियस है? हाँ अभी तो सीरियस है। अब क्या करते थे? हैं, काम क्या करते थे ये के? जिनका बेकरी मकान बेकरी है? बेकरी कुछ बिजनेस मैन। क्या नाम था उनका? विभास चंद्र झा। विभास चंद्र झा का घर मूल रूप से कहाँ रहने वाले हैं? ये भागलपुर इलाका का। तो आपने सुना कि किस तरीके से घटना को अपराधियों ने, बड़ी समझदारी से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया और आसानी से वहां से फरार हो गया है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्या अपराधियों को कब तक पकड़ पाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार घटनाएं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं और पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें दर्जन उसके साथ और देखते रहें दर्जन। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।
अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशन, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर द प्रयास इंडिया.com पर विजिट करें।